हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं। सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे सिंपल है वेरिएबल सेपरेबल। जितने भी एक्स वाले फंक्शंस हैं वो सब डी एक्स के साथ चले जाएंगे, जितने भी y वाले फंक्शंस हैं वो सब dy के साथ चले जाएंगे, और फिर हमें इसको करना है इंटीग्रेट। एज सिंपल एज दैट। इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। यहां पर dx के साथ 1+x है और y भी है। हम तो चाहते हैं कि जितने भी x वाले फंक्शंस हैं वो सब dx के साथ रहें। यहाँ पर x dy के साथ है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस y को RHS में लेके जाता हूँ, इस x को LHS में लेके आता हूँ। अब वेरिएबल सेपरेबल का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, जितनी भी एक्स वाली चीजें हैं वो सब डी एक्स के साथ है, जितनी भी वाई वाली चीजें हैं वो सब डी वाई के साथ है। आगे तो इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही साइड लिख दीजिए। अगर दोनों तरफ लिखते भी हैं, मान लो इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 लिखा, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 लिखा, तो C2 - C1 को बेसिकली मैंने C लिख दिया, बात तो एक ही है। अब यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे, ln y को इस साइड लेके जाएंगे, ln x + ln y दैट विल बिकम ln xy, x को इस साइड लेके गए तो y - x बन गया। आंसर इस तरीके से आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आंसर करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। ये 1+y² को मैं इधर LHS में लेके जाऊंगा dy के साथ, और dx को RHS में लेके जाऊंगा। ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, LHS में आ गया tan-1y, RHS में आ गया ये। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ है कर्व पासेस फ्रॉम 0, 0, x = 0 पर y की वैल्यू भी 0 है। तो y को 0 सब्स्टिट्यूट किया, मतलब tan-1 0 विच इज 0, e^0 मतलब 1। तो यहां से c की वैल्यू आ गई -1। तो ये अपना आंसर आ गया बड़े ही आराम से। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। जितनी भी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे डी एक्स के साथ, जितनी भी वाई वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे वाई के साथ। सो ये डिनोमिनेटर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट। अब साइन वाई का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा -cos y, और ये जो चीज है इसमें लगाएंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये तो इजीली इंटीग्रेबल है। अब जब इसमें y cos y में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो y को मैं डिफरेंशिएबल फंक्शन मानता हूँ, cos y को मैं
इंटीग्रेबल फंक्शन मानूंगा, यहां पर मैं एक्स को इंटीग्रेबल फंक्शन मानूंगा और एलन एक्स को डिफरेंशिएबल फंक्शन। कॉस वाई का इंटीग्रेशन साइन वाई, वाई का डिफरेंशिएशन वन, आरएचएस में टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एलन एक्स एज इट इज, फिर एलन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स और 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर साइन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस y, तो ये चीज और ये चीज कट गई, यहां पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल गया आंसर। ये बड़े ही आराम से, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था, अगर इंटीग्रेशन अच्छा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सिंपल टॉपिक। कभी कभी वेरिएबल सेपरेबल में कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। कैसे रिड्यूस करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करके। किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वो आपको एक्सप्रेशन देखकर ही समझ में आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है ध्यान से देखना भाई। ये x प्लस वाई को मैं टी सब्स्टिट्यूट करता हूं, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से हमारे पास dy बाय dx आ गया, dt बाय dx माइनस वन, उसको यहां रख दिया और राइट साइड में आ गया cos t। इस वन को RHS में लेके गए, अब ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल, जो कि पहले दिख नहीं रहा था। यहां पर ये वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा दिख रहा था, अब ये दिख रहा है। 1 प्लस कॉस टी को लिख दूंगा मैं 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2, कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो बन जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर टी बाय 2 का इंटीग्रेशन 2 टेन टी बाय 2, डिनोमिनेटर में 2 था, 10 t by 2 is equal to x plus c, और t क्या है? x plus y, तो ये आंसर आ गया बड़े ही आराम से। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।